बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। kanwal.com में एक और नई और मुनफरिद वीडियो लेके मैं कंवल आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आइए फ्रेंड्स, आज जो है हमारा टॉपिक, जैसे कि आपको पता चल चुका होगा थंबनेल से कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं फेयर एंड लवली से नाइट क्रीम। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर समझ आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं नाइट क्रीम बनाना। तो सबसे पहले मुझे नाइट क्रीम बनाने के लिए जिन जिन अशिया की ज़रूरत होगी उनमें से जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है फेयर एंड लवली। ये मेरी सेल्फ टेस्टेड है, आप उसको वैसे भी लगा सकते हो, मैंने यूज़ की है तकरीबन 2 से 3 साल, कुछ भी नहीं होता है, कोई भी यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसमें से, जैसे कि पिम्पल्स वगैरह कुछ नहीं। और ये लोग क्लेम भी करते हैं कि कील मुहासों को कम करने के लिए, जल को फेयर करने के लिए, धूप से मुतासर बेरोनक चेहरे को साफ करने के लिए सियाह हल्कों को घटाए और चेहरे पे निखार लाए। अगर मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं तो उन वो लोग जो है वो मेंस वाली फेयर एंड लवली है वो इसमें इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरी नाइट क्रीम का फॉर्मूला है ये मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़वातीन तो बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल लूँगी, सबसे पहले एलोवेरा जेल। ओके जी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा क्रश कर देती हूँ ताकि मिक्सिंग में इजी रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और बात जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी, मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, थोड़ी सी भी अगर यानी कि क्रीम वगैरह एक्स्ट्रा लग जाती है तो मुझे जो है फ़ौरन से पिंपल्स निकल आते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है वो चिकनाई वाली चीज़ें जैसे कि क्रीम्स वगैरह, लोशंस वगैरह, उनसे दूर रहती हूँ, मैं इन चीज़ों पे डिपेंड करती हूँ। अगर आप लोगों की स्किन जो है ड्राई है, जैसे कि मौसम भी चेंज हो रहा है, मेरी स्किन विंटर्स में भी ऑयली ही रहती है, तो जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग इसमें कोकोनट ऑयल का 1 टीस्पून अगर शामिल कर देंगे तो इट्स बेस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं इंक्लूड करूँगी रोज़ वाटर, तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मैं अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी एलोवेरा जेल में। ओके, अब इसमें जो है वो मैं डालूँगी फेयर लवली, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें फेयर एंड लवली जो है वो डाल दी। इस तरह से आप इसको मिक्स करते रहिएगा, इस तरह का टेक्सचर कुछ हो जाएगा इसका। और इसका जो अब जो इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं डालूंगी, वो है मिल्क। ये बॉयल मिल्क आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि कच्चा मिल्क जो है वो फट जाता है ज़्यादातर। तो इसको मैं अच्छे से अब मिक्स करके दिखाऊंगी आपको। ये देखें, इस तरह का जो है वो एक किस्म का लोशन बन जाएगा। ये आप रोज़ रात को लगा के सो जाएं। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो बलाई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रीम जो होती है हमारे दूध के ऊपर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया कि जिनकी ऑयली स्किन है वो ना यूज़ करें तो बेहतर है, मुझे नहीं सूट करती इस वजह से मैं नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो है बदलते मौसम के हिसाब से दिस क्रीम इज़ अ बेस्ट, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगा कीजिएगा। ये क्रीम सब स्किन्स के लिए है, ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने ये सेल्फ टेस्टेड चीज़ें हैं। एक और वीडियो मुझे बनानी थी डार्क सर्कल्स की वजह से के लिए, तो डार्क सर्कल्स के लिए जो है बेस्ट है पोटैटो है, वो उसमें जो है वो नेचुरल जो है वो उसमें ब्लीच होता है। तो अगर आप डार्क सर्कल्स के लिए पोटैटो यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि आप डार्क सर्कल्स के ऊपर हमें कुछ बताओ, तो उनके लिए छोटी सी टिप है, तो खान साहब देख लीजिएगा। और दिस क्रीम इज़ रेडी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।